रफ्तार ने ऐसा कहर बरपाया कि बस नदी में जा गिरी और इस घटना में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधि अधिकारियों के प्रयास से कई लोगों की जान बचाई गई है। रफ्तार बस की इतनी क्यों थी? हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो परिवहन के नियमों के जानकार हैं, प्रभाकर जी, हम उनसे जानेंगे क्या अब तक क्या लग रहा है ये रफ्तार इतनी अधिक क्यों थी। इस घटना में जिनकी मौत हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मेरा यह मानना है कि ये जो रफ्तार का कहर है ये सरकार का दिया हुआ कहर है। आप थोड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे ऐसे मामलों पर, जो बसें चलती हैं, जो ट्रक चलती है उनको परमिट दिया जाता है, और ख़ासकर जो बसें चलती हैं उनको टाइमिंग परमिट होता है। उस टाइमिंग परमिट के अंदर जाकर अगर आप देखेंगे, कल जो हादसा हुआ रैंडमली हम उसके रिकॉर्ड को देखना जब शुरू किए तो उसका रिकॉर्ड जब हम देखें तो उसमें जो परमिट उनको मिला था वो परमिट स्पष्ट रूप से कहता है कि 7:45 में वो बस हजारीबाग से खुलेगी और 10 बजे उसको गिरिडीह आना है। इसका मतलब हुआ सवा दो घंटा में आना है। और इस बीच मज़ेदार बात है कि वो बस जब घुसेगी गिरिडीह तो वो नगरपालिका क्षेत्र से होकर नगर निगम क्षेत्र होकर घुसेगी और हजारीबाग से भी आएगी तो नगर निगम क्षेत्र यानी भीड़भाड़ के इलाकों से होकर गुजरेगी। एक आम व्यक्ति भी जो अपनी कार लेकर भी जाता होगा उसको पता होगा एक नगर निगम क्षेत्र को पार करने में उसे 20 से 25 मिनट लगता है। तो आप 20 मिनट इधर का मान लीजिए, 20 मिनट उधर का मान लीजिए, 40 मिनट खत्म। उस हिसाब से अगर एक घंटा सवा घंटा में सरकार यह कहती है कि तुमको हजारीबाग से गिरिडीह आना है तो ऐसे में रफ्तार तो होगा ही, रफ्तार के कारण जो दुर्घटनाएँ होती है इस पर आप किसकी लापरवाही, अगर मेरे हिसाब से लापरवाही का अगर आप तोहमत देना चाहेंगे तो हम तो कहेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है। आप 50 का स्पीड वो एवरेज स्पीड है, 50 का स्पीड एवरेज स्पीड को आप मान के चलिएगा 60 कर दिया गया, 80 कर दिया गया, तो किस रोड के लिए, बिना रोड देखे बिना लोकेशन देखे। आप मज़ेदार बात है इसमें अगर थोड़ी गहनता से कोई जांच करेगा तो ये पता चलेगा कि कुछ गाड़ियां जो है ना वो बगुदर होके आना है तो सरिया होके आना है, वो इधर से भी आती है। तो कुल मिलाकर कहिएगा तो ये रफ्तार का कहर है, रफ्तार का कहर कई जिंदगियाँ लूट रही है, कई घर बर्बाद हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ समय पर इस पर लगाम लग पाएगा, क्योंकि न सरकार संवेदनशील है, न अधिकारी संवेदनशील है, न लोग संवेदनशील है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ अमरनाथ जी कि कोई गाड़ी अगर 6 घंटे में रांची पहुँचाए ना तो पैसेंजर उस पर बैठेंगे नहीं, लोग चाहते हैं 3 घंटा 3.5 घंटा वाली गाड़ी। तो कुल मिलाकर कहिए यह विडम्बना है हमारी कि हम रफ्तार में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को तबाह कर रहे हैं। देखिए घटना निश्चित रूप से काफ़ी दुखदायी है, लोगों की जान गई है, लेकिन इस रफ्तार के पीछे कहीं ना कहीं सरकारी विभाग ही जिम्मेदार है। दरअसल जो परमिट दिया गया है उसमें टाइम बाउंडिंग जो की गई है, जिस तरह से टाइम सेट किया गया है, वह टाइम ही ड्राइवर को मजबूर कर रहा है कि वाहन की रफ्तार को 50 से 60, 60 से 80, 80 से 100 तक कर दिया जाए और यात्रियों की जान की परवाह नहीं की जाए। अमरनाथ सिन्हा, ETV भारत, गिरिडीह।